क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और हम आज पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में कि पाइथन के अंदर लिस्ट को किस तरह से बनाई जाती है और ये किस काम आती है। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, लिस्ट इज अ यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। अब तक जो हम वेरिएबल बना रहे थे उसके अंदर हम सिंगल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते थे, लाइक वो स्ट्रिंग होता था, बुलियन होता था, या फिर ट्रू एंड फॉल्स, या फिर इस तरह का कोई फ्लोट, या इस तरह का कोई सिंगल आइटम होता था। बट अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है, हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ, नाम आप कुछ भी रख ले, मैं रखता हूँ ए। अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे मल्टीपल आइटम स्टोर करने हैं। नॉर्मली अगर हम इसके ऊपर पहले किस तरह से बनाते थे, आइटम स्टोर करता था। अब अगर मुझे इसको इंटीजर स्टोर करना है तो मैं यहां पे इस तरह से करता था, बट मुझे दोनों चाहिए। तो ये किस तरह से मुमकिन है, ये लिस्ट से मुमकिन है। और लिस्ट का सिंटेक्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अब मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हैं। किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, लाइक मैंने इसके अंदर लिखा बिलाल, दूसरा डेटा मैंने इसके अंदर पुट किया फरीद, तीसरा डेटा मैंने इसके अंदर पुट किया 40 जो कि इंटीजर है, चौथा डेटा मैंने इसको पुट किया ट्रू। इस तरह से आप इसको जितना भी इसके अंदर डेटा पुट कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करवाने के लिए यहां से मैं करता हूं प्ले। ये देखें, हमें यहां पर लिस्ट मिल गई। कितना इजी था लिस्ट बनाना और इस लिस्ट से हमें कितना फायदा हो रहा है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं दूसरे इसके स्टेप के ऊपर। इसको मैं करता हूं कॉपी, इसमें एक नई लिस्ट बना देंगे। ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूं ए और अब मैं बनाता हूं एक और लिस्ट और उसके अंदर में ए बी सी, आपका जो मर्जी है वो डेटा रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको एक सीक्वेंस में लेके चलना है। इसलिए मैंने एक नई एरे बनाई ताकि हम उसे ठीक से एक्सप्लोर कर पाए। तो यहां पे मैं आखिरी ऐड करता हूं डी, डी के बाद ई भी कर देते हैं वरना नाराज हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने एक और लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट के अंदर हमें कुछ और फंक्शनलिटी मिल जाती है या और चीजें देखने को मिल जाती है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इस लिस्ट के अंदर हमें एक ये जानकारी मिलती है कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं प्रिंट, और लेंथ के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन है लेन, और इस लेन के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे अपनी लिस्ट। तो इसको ये हमें बता देगा कि हमारी लिस्ट की लेंथ क्या है। Like अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 की हमारी लेंथ है, तो हम अगर इसको चलाएं कोड को तो ये देखें यहां पे हमें इसकी लेंथ सामने आ जाएगी। ये भी बात समझ में आ गई कि हमें लेंथ का फंक्शन मिल जाएगा। वैसे लेंथ स्ट्रिंग के अंदर भी काम करता है, लेकिन मैंने अभी फिलहाल लिस्ट के लिए ये आपको बताया है कि हमें अगर एरे की या हमें अपने लिस्ट की लेंथ पता करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है लेन का। उस लेन के फंक्शन में हम क्या देंगे, हमारी लिस्ट का वेरिएबल दे देंगे या हमारी लिस्ट दे देंगे, तो ये उसकी लेंथ हमें बता देगा। चलो ये भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात, हम आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि मुझे इसकी टाइप पता करना है कि इसकी टाइप क्या है। मैंने अपनी लिस्ट तो बना दी, लेकिन इसकी मुझे टाइप अगर पता करें और हम जानना चाहते हैं कि पाइथन इस टाइप को क्या कहता है, किस नाम से जानता है, तो हम क्या लिखेंगे टाइप और अपने कोड को चला देंगे। ठीक है, और अपने कोड को चलाते हैं, यहां पे देखें हमें क्या मिल गई, इसकी टाइप मिल गई कि भाई ये जो आपने लिस्ट बनाई है इसकी टाइप क्या है, लिस्ट। ये भी बात समझ में आ गई। कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं दोबारा और आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं फिलहाल, ठीक है, मिटाते नहीं, चलो रहने देते हैं। देखो, जब भी हमें लिस्ट मिलती है ना, लिस्ट के अंदर हमें इसके इंडेक्सेस भी मिलते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसको यहां से पहले कमेंट कर देता हूं, लिखता हूं इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर दोबारा मैं इसको कमेंट करता हूं और हम इसके इंडेक्स बनाते हैं। ये जो हमारा वेरिएबल या एलिमेंट है, सॉरी वेरिएबल नहीं एलिमेंट,
ये हमारा जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है, और ये हमारा वन इंडेक्स पे है, ये हमारा टू, ये थ्री और ये फोर इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ये जब हम कोई लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो हमें लिस्ट के अंदर इंडेक्स नंबर मिलते हैं, और इंडेक्स नंबर जो है वो डिफाइन करते हैं उस एलिमेंट को जो एलिमेंट उस इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड करता है या उस इंडेक्स नंबर के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा पाइथन जो है एक और चीज भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रही है इस बार, और मैंने कहीं और तो नहीं देखा लेकिन सिर्फ पाइथन में ही फिलहाल देखा है, तो इसके अंदर जो है नेगेटिव इंडेक्स भी आ गया, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्स भी इसके अंदर आ गया, नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर ये नेगेटिव इंडेक्सेस भी लेकर आ गया। इसको मैं जरा सा यहां कर देता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए। नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होता है, ये हमें कहता है, ये इस तरह से होता है कि मैंने यहां पर मैं आ गया और यहां पे ये कहता है कि ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है और ये -1 है। ये जो है पाइथन की खूबसूरती है कि हमें दो तरह के इंडेक्स प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जिस तरह से मन करे आप उस तरीके से कर अपनी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, जो अभी हम करके देखेंगे भी, ठीक है। तो यहां तक भी हमें बात समझ में आ गई, और अब हम क्या करते हैं अपनी लिस्ट को एक्सेस करके भी देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अब मुझे एक्सेस करना है अपने सी को, एक्सेस करना चाह रहा हूं मैं। सी को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहां पे लिखूंगा ए स्क्वायर ब्रैकेट, और सी का इंडेक्स क्या है, अब मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है, और देखते हैं हमें क्या मिलता है, हमें सी मिल गया। और इसी तरह अगर मैं एक और इसका बना दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी जो है इंडेक्स जो है इसका पॉजिटिव 2 है और इसका नेगेटिव इंडेक्स -3 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -3। तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है, अब भी मुझे सी मिल गया। तो इस इंडेक्सिंग के थ्रू आप इजीली एरे के या लिस्ट के एलिमेंट को गेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये बात समझ में आ गई, इसको करता हूं मैं कॉपी और आ जाते हैं नए कोड के ऊपर, इसको कर देते हैं यहां पेस्ट, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फिलहाल एक एलिमेंट मिल रहा है, अगर मैं इसे चलाऊं तो मुझे यहां पे एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है, बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे बी सी मिले, बी भी चाहिए सी भी चाहिए। तो यहां पे ये क्या कहता है, इसको अगर हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसको मैंने हटा दिया, अब मुझे चाहिए बी और सी, ठीक है। तो इसके लिए कहता है कि ये जो कॉलन है इसके शुरू में आप इसे स्टार्ट पॉइंट दे दे और जो इस तरफ है उसे एंड पॉइंट दे दे, तो के वहां तक के वो शामिल नहीं होगा, वहां तक के जो एलिमेंट है वो उठा के ले आएगा। लाइक मैंने इसको कह दिया कि भाई आप जीरो से शुरू करो, ठीक है, और आप चले जाएं टी तक। टी का मतलब यह है कि थ्री शामिल नहीं है, टी शामिल नहीं है, इसमें सी तक डेटा आएगा, और इसको हम चलाएं तो ये क्या लेकर आ गया, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, उसने थ्री शामिल नहीं किया। इसी तरीके से अगर मैं जीरो हटा दूं और सिर्फ इसको थ्री रहने दूं तब भी बात एक ही होगी, बाय डिफॉल्ट पाइथन उसको जीरो ही काउंट करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, बी से लेकर सी तक डेटा चाहिए, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है 1, आप 1 से शुरू करो और सी तक चले जाओ, ठीक है, सॉरी डी तक चले जाओ, लेकिन डी इसमें शामिल नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया डी जो यहाँ पे काउंट है वहां तक जो एलिमेंट है या वहां तक के जो पहले के एलिमेंट है वो ले आएगा, वो एलिमेंट शामिल नहीं होगा। थ्री इंडेक्स पे डी है, डी शामिल नहीं होगा, ठीक है। हम चलाते हैं, बी और सी लेकर आ गया। इसी तरह हम माइनस वाले इंडेक्सेस के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। और इसको हम कहते हैं कि भाई जीरो इंडेक्स से आप ले आओ फोर इंडेक्स तक, या चलो फोर इंडेक्स छोड़ देते हैं, थ्री रखते हैं और चलाते हैं दोबारा, ए बी सी आ गया, ठीक है। हम जरा सा अपना डेटा चलो नेक्स्ट में बढ़ा देते हैं, मैं एक और इसमें सिनेरियो समझा देता हूं। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आप देख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आप ले आ सकते हैं। आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया -2 से लेकर आ जाओ -5 तक, ठीक है, -5 तक, देखते हैं क्या आता है। ये खाली आ गई, क्योंकि
क्यों खाली आ गई? क्योंकि हमने इसको उल्टा दे दिया, हमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू देनी होगी माइनस फाइव और फिर टू। और अब अगर हम चलाएं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई माइनस टू से आ गया माइनस फाइव तक जो डेटा है हमें मिल गया। ठीक है, इसमें माइनस टू शामिल नहीं होगा, इसलिए इसने ए बी और सी डेटा हमें प्रोवाइड किया। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, और चले आगे चलते हैं इसके अंदर समझते हैं। अब हमने नेक्स्ट डेटा बनाया और नेक्स्ट डेटा को मैं जरा सा एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सटेंड ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। ठीक है, हम यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर लिया हमारे डेटा को और मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे जीरो से डेटा चाहिए, जीरो से डेटा चाहिए और कहां तक चाहिए? यहाँ पे फोर है, फाइव सिक्स, मुझे सिक्स तक डेटा चाहिए और इसके साथ साथ चलो सिक्स तक डेटा ले आने दो। सिक्स तक वो डेटा लेकर आ गया। ठीक है, मैंने इसकी एक कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद मैं इसको कहता हूं कि भाई ये सिक्स तक जो आप डेटा लाए हो एक को छोड़ के दूसरा लाओ। ठीक है, मैंने कहा एक को स्किप करो फिर दूसरा उठाओ, फिर दूसरे को स्किप करो तीसरा उठाओ। तो अब अगर मैं कोड को चलाऊं, ये देखो ए, ए इसने पिक कर लिया, बी को छोड़ दिया, सी को पिक कर लिया, डी को छोड़ दिया। इस तरह हम अगर इसको थ्री कर दें, अगर मैं इसको कर देता हूं यहां पे एक और थ्री कर देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब वो जो जंप कर रहा है, एक्चुअली ये जंप है, ये थर्ड पर जंप है। अब वो जंप कर रहा है तीसरे एलिमेंट के, ए के बाद डायरेक्ट बी के ऊपर, दो स्किप कर रहा है, वो तीसरे एलिमेंट को पिक कर रहा है, तो ये जंप कर रहा है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई मेरे। अब आ जाते हैं हम दूसरे कोड के ऊपर। अब एक और तरीका भी होता है कंस्ट्रक्टर के जरिए लिस्ट बनाने का। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या बना आ गई, कंस्ट्रक्टर कहते हैं ए इज इक्वल टू लिस्ट, इसको मैंने कॉल कर दिया, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर हम यही काम करें लाइक ए बी सी, ठीक है, ये मैंने यहां पे कंस्ट्रक्टर के जरिए लिस्ट बना दी और कंस्ट्रक्टर के जरिए लिस्ट बनाने के बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो देखते हैं कुछ फर्क मिलता है हमें। मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, देखिए हमें कोई फर्क नहीं मिला बिल्कुल। आप चाहे इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से बनाएं, बात सेम ही है, वही वर्किंग है, वही बात है, उसी तरीके से कर ये काम करेगा। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। हमने कंस्ट्रक्टर तरीके से भी लिस्ट बना के देख ली, कंस्ट्रक्टर क्या है, लिस्ट का जो है ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिस्ट, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हमें पास करना पड़ता है डेटा राउंड ब्रैकेट के अंदर, फिर जिस तरह उसको एक्सटेंड करेंगे हमारी लिस्ट बनती जाएगी और हमें रिजल्ट भी मिल गया। ये भी बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये मैंने लिस्ट बना दी लाइक, ये मैंने ये वाली कॉपी कर देता हूं। ठीक है, ये वाली लिस्ट में कॉपी कर देता हूं, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई। अब इसमें हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी मिलते हैं। मैंने क्या कहा, बी, और बी के बाद मैंने कहा कि भाई ए डॉट कॉपी, इसकी कॉपी बना दो मेरे पास। अब ये जो है कि डिटो को भी बना के बी को इसने असाइन कर दी और यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट, यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट बी को। सेव करते हैं, कोड चलाते हैं, देखें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेटा मिल रहा है। ये जो है बी की कॉपी बन गई, सॉरी ए की कॉपी बन गई। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका, जिसके जरिए ये हमें कॉपी बना के दे देता है। एक तरीका इसका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है वो भी जान लेते हैं। मैं कहता हूं सी, एक एलिमेंट हमने बना दिया सी, उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया लिस्ट और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डेटा को पास कर दिया। डेटा क्या है हमारा ए, डेटा क्या है हमारा ए। अब ये कंस्ट्रक्टर काम करेगा, ये कॉपी बनाएगा, इस तरीके से भी कॉपी बन सकती है या नहीं हम जानते हैं। मैं कोड को चलाता हूं, देखो इस तरीके से भी कॉपी बन सकती है, आप इस तरीके से भी इसकी कॉपी बना सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर के तरीके से भी इसकी कॉपी बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक और लास्ट चीज है, मैं उसे भी जरा डिस्कस कर दूं। हम यहाँ पे एक और एरे बनाते हैं, या एरे तो हमने बनाई हुई है। हम इसको क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई ए, और मैंने यहाँ पे इसकी इंडेक्स पे, वन इंडेक्स के ऊपर मैंने कहा इसकी वैल्यू को जेड कर दो।
जी कर दो। और अब मैं करता हूं प्रिंट, अब मैं करता हूं प्रिंट किसको, ए को, और देखते हैं क्या होता है, और देखते हैं क्या होता है। अब देखो उसने वन इंडेक्स के ऊपर अपनी वैल्यू को चेंज कर दिया, वन इंडेक्स के ऊपर अपनी वैल्यू को चेंज कर दिया। ये भी क्लियर हो गई बात। अब जो है हम मल्टीपल इंडेक्स को चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब मल्टीपल एलिमेंट को बाय इंडेक्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। मैं आता हूं कोड के ऊपर, इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और अपना दूसरा कोड बनाते हैं। अब हम दो आइटम चेंज करना चाह रहे हैं, मैं इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, ए, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इसको कह रहा हूं कि भाई मुझे चेंज करो ये बी, बी की जगह जो भी एलिमेंट हमें रखना है वो, और ये सी, तो इनका इंडेक्स क्या है, जीरो वन, वन और टू को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहां कहूंगा वन और टू को मुझे चेंज करना है। और ये किस तरह से करेंगे, यहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, वन को जो वैल्यू पास करनी है वो आप पास कर ले, मैं यहाँ पे पास करता हूं बिलाल, और दूसरी वैल्यू हम पास करेंगे लाइक फोर कर देते हैं या फोर्टी कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने दो इंडेक्सेस के जरिए दो वैल्यू को गेट करके उसको चेंज करने की कोशिश की है, देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं होते। मैं इसको करता हूं प्रिंट और ए, और यहां पर हम इसको चलाते हैं कोड। ये देखो हमारी बी और सी की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से कर चेंज हो गई। कितना आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल आपको हलवा करके दे दिया, बस आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए और इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, यूज आपको आ जाएगा खुद ही, ठीक है, और ना आए तो हमारी वीडियो तो है ही, वो आप देख लेना। अच्छा, एक और तरीका है इसको चेंज करने का, मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल ऑल कॉपी और दोबारा कोड के ऊपर आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इस बार ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं इसको कहता हूं, मैं इसको कहता हूं क्या, मैं कहता हूं ए डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर वो कहता है कि आप मुझे इंडेक्स, इंडेक्स बताओ कि आपको किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। मैं इसको कहता हूं कि भाई आप जो है ये 0, 1, 2, 3 के ऊपर चेंज करो और वहां पर लेकर आ जाओ, क्या एक ही नाम है हमारा, तो भाई रतन लाल, यही छाया हुआ है हर जगह, ठीक है। आप जो है थ्री इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर दो रतन लाल से, और हम अपने कोड को चलाते हैं दोबारा। वाओ, डी चेंज हो गया, जो थ्री इंडेक्स के ऊपर था डी चेंज हो गया। तो यही फंडामेंटल थी लिस्ट की जो हमने अभी आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आए समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।